मैं प्रवेश कुमार, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भोपुर से। आज हम आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे, जिसमें कि कक्षा 10 में जीव विज्ञान, जिसमें कि आपको जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ाएंगे। और ये कक्षा 10 का हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे लेक्चर में हम जैव प्रक्रम के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है। तो सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की, मतलब जो भी जीवधारी होते हैं, ठीक है, उनकी जो आधारभूत आवश्यकता होती है, उनकी जो आधारभूत आवश्यकता होती है, तो सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनकी पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं, कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो सदैव चलती रहती हैं, जो क्रिया रिएक्शन होती हैं वो सदैव होती रहती हैं, ठीक है। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में, मतलब जिससे जीव जिंदा रहे, ठीक है ना, जीवित रहे और वो सारी क्रियाएं करे, ठीक, जो जीव को जीवित बनाए रखने में क्या होती है, सक्षम होती है, उपापचयी अब्लिक जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं, पोषण हो गया, पोषण वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये आदि क्रियाएं जीव को इसको जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, ये सब क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए कि सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं, क्या कहलाती हैं, उपापचय या फिर जैव प्रक्रम कहलाती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे पोषण हो गया, सभी जीवधारियों में पोषण होता है, श्वसन सभी जीवधारियों में श्वसन होता है, उत्सर्जन, ठीक है, सभी जीवों में उत्सर्जन होता है आदि, ये सभी क्रियाएं क्या होती हैं, जीवों में संपन्न होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं उपापचयी क्रियाएं, ठीक। तो हम क्या होता है उपापचयी, उपापचयी क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। जो उपापचयी हमारी क्रियाएं हैं उनको हम दो भागों में या दो समूहों में बांट सकते हैं, ठीक है ना, दो समूहों में बांट सकते हैं, ठीक, दो समूहों में बांट सकते हैं। नंबर एक क्या होता है, उपचयी क्रियाएं, जो एक पहली जो क्रिया होती है वो क्या होती है, उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं, ठीक, और दूसरा होता है अपचयी, क्या होता है, अपचयी क्रियाएं, ठीक। अब उपचयी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आइए देखते हैं। वे क्रियाएं जिनमें वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक, जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों, ठीक है, मतलब वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, का क्या होता है, संश्लेषण, क्या होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है, क्या होता है, संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं, कहलाती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे प्रकाश संश्लेषण, ठीक।
अब देखते हैं कि उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से, मतलब जो भी पदार्थ होते हैं जो सरल कार्बनिक होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाता है, संश्लेषित हो जाता है। ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपचयी क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। उपचयी क्रियाएं तो ये तो आपने सीखा, उपचयी क्रियाएं। ठीक है, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, अच्छा, और जो अपचयी क्रिया होती है ये इसके एकदम विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनमें, ठीक है, जटिल कार्बनिक, जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों, ठीक है, से किसमें, सरल कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है, पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों, ठीक है, पदार्थों में विखंडित होती हैं। क्या होती हैं, विखंडित होती हैं, क्या कहलाती हैं, अपचयी क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपचयी क्रियाएं, ठीक है, कहलाती हैं। ठीक, बिल्कुल उपचयी क्रिया के अपोजिट होती है अपचयी क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों में, उनका संश्लेषण हो जाता है। और उसके एकदम विपरीत, इसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, सरल, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, विखंडित। यहां पर संश्लेषण होता है और यहां पर विखंडित होते हैं। ठीक, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से आपने अपचयी क्रियाएं के बारे में समझा कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होती हैं, ठीक है, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अपचयी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे श्वसन, ठीक है, पाचन, उत्सर्जन आदि। ठीक, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हुई थी, उपापचयी क्रियाओं में होती है, और इसमें श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है आदि, ये क्रियाएं अपचयी में भाग लेती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पोषण के बारे में। ठीक बेटा, अब हम देखते हैं पोषण क्या है। अभी तक कि आपने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा, अब हम पोषण के बारे में देखते हैं। ठीक है, जिसको हम पोषण को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, पोषण शब्द उन सभी क्रियाओं के कुल योग को प्रदर्शित करता है, जो पोषण शब्द होता है, ठीक है, उन सभी क्रियाओं के कुल योग को प्रदर्शित करता है जिसमें कच्चे भोज पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा भोजन होता है, भोज पदार्थ होता है, इसको क्या काम करते हैं कि शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। शरीर अपने आप अपने उपयोगी पदार्थों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, लेकिन कब, जब हम भोज पदार्थों का, कच्चे भोज पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये शरीर के उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। अब इससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग, जो हम भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका उपयोग विभिन्न उपापचयी क्रियाओं, मतलब जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है, उनके उपयोग से विभिन्न उपापचयी क्रियाओं तथा मरम्मत एवं वृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं टूटी फूटी होती हैं, उनकी मरम्मत भी होती है जब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, एवं वृद्धि, पोषण करने से या भोजन करने से हमारे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक,
किया जाता है, मतलब इससे प्राप्त ऊर्जा जो हम न्यूट्रिशन करते हैं, भोजन करते हैं, उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह उपापचयी क्रियाओं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ठीक है, मरम्मत है एवं वृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि पोषण या भोजन की आवश्यकता, भाई हम अपने शरीर में या हम भोजन को क्यों करते हैं, ठीक, खाना हम क्यों खाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। खाने से हमें क्या मिलता है, ठीक है, खाने की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को क्यों होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो पोषण या भोजन की आवश्यकता, आप सब लोग देखते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में लंच होता है, फिर हम लंच करते हैं, फिर दोबारा हमको क्या हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो पोषण या भोजन की आवश्यकता, तो पहला पॉइंट है ऊर्जा की आपूर्ति। किसकी? ऊर्जा की आपूर्ति। पोषण करने से हमारे शरीर को, भोजन करने से हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, प्रोसेसेस होती है और हमें ऊर्जा की आपूर्ति होती है, जिससे हम और भी कार्य को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ठीक, अगर ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाए तो मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए भोजन की हमें आवश्यकता होती है। किसके लिए? ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, क्योंकि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऊर्जा की आपूर्ति हमें भोजन से ही होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट है शरीर की वृद्धि। ठीक, अब हम बात करते हैं कि शरीर की वृद्धि कैसी होती है। ठीक, तो शरीर की वृद्धि के लिए ही भोजन की हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। ठीक, तो भोजन से ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत। ठीक, बहुत सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि आए दिन टूटती फूटती रहती है, लेकिन इनकी मरम्मत कौन करता है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, अच्छा, प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स की खोज किसने की थी, पता है? प्रोटीन्स की खोज जे वर्जीलियस ने की थी, जे वर्जीलियस महोदय ने किया था। ठीक है, इसकी खोज, ठीक, प्रोटीन्स की खोज। तो प्रोटीन्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारे शरीर की जो भी टूट फूट कोशिकाएं होती है उनकी ये क्या करे, मरम्मत करे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है रोगों से रक्षा। क्या है? रोगों से रक्षा। ठीक है, ठीक है, अब हम शरीर की टूट फूट की मरम्मत कर चुके हैं। शरीर के टूट फूट की मरम्मत किसके जो है, प्रोटीन्स करता है। ठीक है, और प्रोटीन्स की खोज किसने किया था, जे वर्जीलियस महोदय ने। अब हम बात करते हैं रोगों से रक्षा। ठीक है, रोगों से रक्षा। अब रोगों से रक्षा क्या होता है कि भोजन करने से ही हमारा शरीर क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, और जब हमारा शरीर मजबूत होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, जब इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी तो रोगों से क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो भोजन ही ऐसा एक तत्व अवयव है जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है हमारा शरीर, और जो है रोगों से हमें क्या करता है, बचाता है। ठीक है, और इसमें जैसे हमारे प्रोटीन्स हो गए, ठीक, विटामिन्स हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं या खनिज लवण हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमें रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हम आइए बात करते हैं पोषण के प्रकार। ठीक बेटा, अब हम पोषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अभी तक कि आपने पोषण या भोजन की आवश्यकता पढ़ा, अब हम पोषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पोषण के प्रकार। ठीक, अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषण का अर्थ होता है स्वयं को पोषित करना, मतलब स्वयं को पोषित करना या स्वयं अपना भोजन बनाना, जिसको हम स्वपोषी कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, या अपना अपना पोषण स्वयं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होते हैं, इनको कहते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये किसी दूसरे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी पोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रकाश संश्लेषी प्रकाश संश्लेषी होता है और दूसरा रसायन संश्लेषी पोषण होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी पोषण और रसायन संश्लेषी पोषण होता है। इसी प्रकार से विषम पोषण
विषम में प्राणी सम भोजी पोषण है और परजीवी है और आपका ये मृतोपजीवी है। ठीक, प्रकाश संश्लेषी क्या होता है? जैसा कि इससे ही पता चलता है कि ऐसे अधिकांश जो जीव जंतु होते हैं या जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थित में, ठीक है, उनमें प्रकाश की क्या होती है, जरूरत होती है, क्या होती है, प्रकाश, ठीक है, और वायुमंडल से CO2, मृदा से क्या लेते हैं H2O, पानी लेते हैं, ठीक है, और प्रकाश, प्रकाश हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मृदा से क्या हो गया, पानी हो गया, मतलब H2O लेते हैं, ठीक है, और इसको लेने के बाद में अपना भोजन क्या कर देते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषी पौधे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जिसमें प्रकाश CO2 मृदा से H2O ग्रहण करते हैं। ठीक, रसायन संश्लेषी क्या होता है? रसायन संश्लेषी क्या होता है, इसमें जो अधिकांश जीवाणु जो होते हैं, ठीक है, वो रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, रसायन का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया किसमें होती है, जो रसायन संश्लेषी वाली क्रिया, ये जो जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, इनमें संपन्न होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण पर। विषम पोषी पोषण में क्या है, सबसे पहले प्राणी सम भोजी पोषण, ठीक है, क्या है, प्राणी सम भोजी और पोषण, ठीक, प्राणी सम भोजी पोषण क्या होता है, वे जो विभिन्न जटिल पदार्थों को, जो जीव जटिल भोज पदार्थों को, जटिल भोज पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में, ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है, प्राणसम भोजी पोषण कहलाते हैं। मतलब जो जीव जटिल भोज पदार्थों को किसमें, ठोस या तरल अवस्था में, ठोस या तरल अवस्था में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राणसम भोजी पोषण कहलाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं परजीवी के बारे में। ठीक है, परजीवी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, परजीवी जिनको हम इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं, ये अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, परजीवी में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा खटमल हो गया, ठीक है ना, जोंक हो गई, ठीक है ना, प्लांट पे जो पाया जाता है अमरबेल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये परजीवी होते हैं। ठीक है, फीताक्रम हो गया आपका, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये परजीवी होते हैं। ठीक है, ये दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। खटमल होता है आपने देखा होगा मनुष्यों का, ठीक है, ब्लड लेता है, जोंक भी ब्लड लेती है, अमरबेल पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, फीताक्रम भी मनुष्यों से ही अपना भोजन ग्रहण करती है, तो ये क्या हो गए, परजीवी हो गए। अब मृतोपजीवी क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि पता चलता है कि मृतोपजीवी मतलब मृत जीवों से अपना भोजन ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे लेते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं से लेते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं से लेते हैं या ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने देखा होगा जैसे कवक होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कवक हैं, ठीक है, और क्या है आपके, बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो है मृतोपजीवी कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पोषण के प्रकार हो गए बेटा, जिसमें कि दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं, एक स्वपोषी पोषण होता है, दूसरा विषम पोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण आपने देखा दो प्रकार के, एक तो प्रकाश संश्लेषी होता है, दूसरा रसायन संश्लेषी होता है। ठीक,
विषमपोषी पोषण में क्या होता है, तीन टाइप्स होते हैं, प्राणी समपोषी भोजन होते हैं, पोषण होता है, परजीवी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये आपका पोषण यहाँ पर फिनिश हो रहा है। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक का दूसरा लेक्चर तैयार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।